हाय गाइस, दिस इज विष्णु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ शर्मा फैब्रिक, जो कि हमारा रेमंड एक्सक्लूसिव शोरूम है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम वीडियोस लाते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें बताएं कि ऑफिस फॉर्मल वेयर में आप लोग हमें बताते हैं कि फॉर्मल वेयर चलता है ऑफिस के लिए, तो ऑफिस में हम जाएं, जो लोग डेली ऑफिस में जाते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ स्टाइल टिप्स दो ताकि हम लोग जो हमारा ओवरऑल लुक है ऑफिस का वो अच्छा लगे। तो वही टॉपिक रहेगा वीडियो का। मैं आपको कुछ स्टाइल टिप्स दूंगा, कुछ हैक्स बताऊंगा ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो कैसे आप अच्छा दिख सकते हैं, कैसे आप हैंडसम लग सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, देखिए ऑफिस, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ऑफिस में है, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, सबसे पहले हम ड्रेसिंग सेंस पे बात करेंगे। ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होना चाहिए आप जो कपड़े पहने वो ऑलवेज फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल पैंट यूज करिए, फॉर्मल शर्ट्स यूज करिए। सबसे पहली बात, जींस वगैरह चलता नहीं है तो उनको अवॉइड करें, चिनोस को भी अवॉइड करें। शर्ट्स पहन सकते हैं, पैंट फॉर्मल पहनिए। आप उसमें आपको क्या नोटिस करना है, क्या ध्यान देना है, जो आपके शेड्स हैं शर्ट के एंड पैंट के, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कलर कॉम्बिनेशन। आप कैसा पहन रहे हैं, आप ज्यादा ब्राइट शर्ट पहन लेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑफिस में ये चीजें नहीं चलती है। अगर आपको अच्छा लुक दिखना है, अगर आपको चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस रहे, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो उसके लिए आपको वेल ड्रेस्ड रहना पड़ेगा सबसे पहले। तो जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। वो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कलर्स चलते हैं, व्हाइट चलता है, शर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्काई ब्लू, लाइट ग्रे, जो बिल्कुल लाइट शर्ट्स हैं, हल्का फुल्का सॉलिड प्लेन चलता है फॉर्मल में, कुछ हल्का फुल्का टेक्सचर भी आप जा सकते हैं। पैंट का हम बात करें तो पैंट के कलर्स आपको ऑलवेज जाना चाहिए नेवी ब्लू में, कार्बन चारकोल ग्रे जो होता है मोस्ट वर्सेटाइल होता है, सबके साथ चलता है, उसमें जा सकते हैं, ब्लैक में जा सकते हैं, नेवी ब्लू में जा सकते हैं, तो ये सारे शेड्स रहेंगे। फिटिंग होना चाहिए, फिटिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, फिटिंग पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। हमेशा रेडीमेड की बजाय टेलर से, जो टेलर फिट होता है वो कपड़े आप पहनिए, हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। और अगर फिर भी अगर आप रेडीमेड ले आते हैं तो आप टेलर के पास जाइए और उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग करवाइए। फिटिंग का भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा मोटा मोटा हम जान लेते हैं। जो शर्ट का फिटिंग होना चाहिए, देखो कॉलर टाई कॉलर होना चाहिए और कॉलर आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे खड़ा हुआ कॉलर रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो वो उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो आपका शर्ट होता है, शर्ट ऑलवेज टक इन होता है, हमेशा अंदर डाल के पहनते हैं शर्ट, तो हमेशा अंदर डाल के, तो इसका जो लेंथ होना चाहिए शर्ट का ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए फॉर्मल शर्ट का, तो वो आपको हेल्प करेगा, बार बार ये शर्ट ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका आप ध्यान रखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि शर्ट को आप अंडरवियर में टक कर लीजिए या पिन्स आते हैं पिन लगा लीजिए, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने साइज का शर्ट बनवाओ और थोड़ा सा लंबा रखो, अच्छे से टक इन करो, तो वो ध्यान रखना है। एक हैक मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो शर्ट का जो ये वाला पट्टी होता है, आप देख सकते हैं ये वाला जो पट्टी है, ये हमारा जो पैंट होता है, पैंट का जो जिप होता है उससे ऑलवेज अलाइंड होना चाहिए। गाइज ये देख सकते हैं, जो पैंट, जो शर्ट का पट्टी है और जो पैंट का जो जिप वाला है वो अलाइंड होना चाहिए, तो वो आपको देखना चाहिए, वो गौर करिए। ऑलवेज पहला स्टाइल टिप यही रहेगा, अलाइंड होना चाहिए। दूसरा स्टाइल टिप ये है, जिस कलर के आप जूते पहनते हो, जिस कलर के शूज पहनते हो, उसी कलर का बेल्ट लगाओ, सेम कलर का होता है। सॉक्स ऑलवेज जो पहनते हैं हम फॉर्मल के नीचे, वो बड़े वाले सॉक्स पहनते हैं, मैचिंग के पहनिए। मैंने मैचिंग के नहीं पहन रखे, मैंने शर्ट के मैचिंग के पहन रखे, तो पैंट के मैचिंग के अगर सॉक्स पहनेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ऊंचे सॉक्स पहनिए। शूज का हम बात कर लेते हैं, शूज आपको पहनने हैं लेसअप शूज या फॉर्मल जो शूज होते हैं वो शूज पहनो, कभी भी फॉर्मल वियर के साथ स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो स्टाइल हैक्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, फॉर्मल पैंट में आजकल जो प्लीटेड पैंट चल रही है, मैंने जो पहना हुआ है ये तो इटालियन पैंट है, पर नॉर्मल हुक के साथ पैंट वाला पैंट पहनिए और एक प्लेट भी डाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। पैंट का हम बात करते हैं तो शू का जो टॉप होता है वो टॉप टच करना चाहिए, ज्यादा छोटी पैंट नहीं पहननी चाहिए और ज्यादा लंबी पैंट भी नहीं पहननी चाहिए, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। और बात कर लेते हैं आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी मैटर करता है, ज्यादा लंबे बाल नहीं ऑफिस में नहीं चलते हैं, एंड
ज्यादा छोटे बाल भी नहीं रखी है, कई लोग पूरा ट्रिम करवा लेते हैं, यहाँ साइडों से इसकी ट्रिम करा लेते हैं तो वो भी नहीं चलता है। एक फॉर्मल सा स्टाइल रखी है मीडियम साइज का, आपके फेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा सुटेबल रहेगा हेयर स्टाइल, वही आप यूज करिए, वही ज्यादा बेटर रहता है। आगे फेशियल हेयर की हम बात कर लेते हैं तो बियर्ड और क्लीन शेव, देखिए क्लीन शेव तो अभी ट्रेंड में नहीं है, तो हल्का फुल्का आप शेविंग रख सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो ट्रिम्ड हो, और ट्रिम वो एजेस से साइडों से ट्रिम करके अच्छे से जो फेशियल हेयर है बियर्ड वो ट्रिम्ड होनी चाहिए, तो ये आपका लुक को एनहेंस करेगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है, और तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, शर्ट का गाइड, शर्ट का फिटिंग का भी हम बात कर लेते हैं। शर्ट का फिटिंग जो होता है, शर्ट का फिटिंग ज्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बैगी शर्ट भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइट शर्ट भी नहीं होना चाहिए, अनकंफर्टेबल रहेगा। वही पैंट में भी नॉर्मल रेगुलर फिट यूज करो, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो ऐसा शर्ट यूज करो, तो ऐसा फिटिंग में अगर आप पहनोगे तो अच्छा लगेगा, लुक वाइज भी कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है, आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेगी ये सारी चीजें जो भी टिप्स हमने दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम हम लाते रहते हैं। लास्ट में थैंक यू, हैव अ गुड डे।